नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। निसर्ग तूफान ने पूरे महाराष्ट्र में तबाही मचा रखी है। आज हम बात करेंगे इसी निसर्ग तूफान के बारे में, उससे जुड़े इतिहास के बारे में और साथ ही साथ तूफान से हुए नुकसान के बारे में। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भीषण तबाही मचवाने के बाद चक्रवात निसर्ग कमजोर होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार ये धीरे धीरे और कमजोर होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार निसर्ग अब उत्तर पूर्व महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अब नासिक, धुले और नंदुरबार जिलों पर असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जानकारी देते हुए कहा कि निसर्ग के जमीन से टकराने के दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। महापात्र के अनुसार ये तूफान पुणे के ऊपर केंद्रित है। तूफान कमजोर होकर तूफानी चक्रवात में तब्दील हो गया है। हवा की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवागमन शुरू हो गया है। निसर्ग ने गुजरात के दक्षिणी तट पर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुजरात सरकार ने 8 जिलों के तटीय क्षेत्रों के 63,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 18 टीमों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 6 टीमों को बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया था। मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बनी है। एक समाचार पत्र ने मौसम विज्ञानी अक्षय देवरस के हवाले से लिखा है कि इससे पहले 1948 और 1980 में दो बार इस तरह का दबाव बना था और तूफान आने की स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में स्थिति टल गई थी। पिछले 15 दिनों में ये भारत में आने वाला दूसरा तूफान था। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 100 साल से ज्यादा समय के बाद इतनी तीव्रता का तूफान आया। इसी वजह से पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। मुंबई के अलावा समूचे महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव में तूफान की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट रखा गया था। आइए अब आपको ये भी बता दें कि इस भयंकर चक्रवात से महाराष्ट्र में कितना नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निसर्ग तूफान के कारण 117 जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। वहीं 9 स्थानों पर मकान के हिस्से ढह गए। इसके अलावा मुंबई शहर के 39 जगहों पर शॉर्ट सर्किट हुआ। महाराष्ट्र में इस भयंकर चक्रवात की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। पुणे में साइक्लोन से जुड़े 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक 65 वर्षीय महिला है जो खेड़ तहसील के वहां गांव की रहने वाली थी। महिला पर घर की दीवार गिर गई। महिला के परिवार के ही 3 अन्य लोग इस हादसे में घायल हो गए। दूसरा मरने वाला व्यक्ति हवेली तहसील के मोकरवाड़ी का निवासी है। तेज हवा से व्यक्ति के घर की छत उड़ गई और टीन शेड पकड़ने में वो घायल हो गया। पुणे जिला परिषद के सीईओ आयुष प्रसाद का ये कहना है कि साइक्लोन का प्रभाव पुणे की खेड़ व जुन्नार तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। चक्रवात से जानवरों की भी मौत हुई है। इसके अलावा रायगढ़ के अलीबाग क्षेत्र में एक 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। व्यक्ति पर साइक्लोन की तेज हवाओं से बिजली का एक ट्रांसफार्मर गिर गया। हादसा उमेट गांव में दोपहर 1:30 बजे हुआ, जब व्यक्ति घर जा रहा था। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अजमेर न्यूज़। नमस्कार।